हेलो जी, आज बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान चीज़ सैंडविच, जो सबका फेवरेट होता है। सबसे पहले एक पैन रखना, और जब आपका पैन गर्म हो जाएगा उसमें थोड़ा सा देसी घी डालना और जीरा डालना। जब जीरा चटक जाएगा उसमें प्याज डालना कटे हुए, और प्याज डालकर उसे एक मिनट के लिए चला लेना। बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, केवल बस इसे एक मिनट तक चलाना। और जब भी प्याज आपका हल्का सा भून जाएगा तो उसमें कटी हुई शिमला मिर्च डालना। एक शिमला मिर्च ली थी मैंने, बड़े साइज की थी तो ये मैंने डाल ली है। तो डाल देना आप इसमें एक शिमला मिर्च, और उसे भी चला लेना प्याज के साथ एक मिनट के लिए। और प्याज को, इसे शिमला मिर्च को भी अच्छे से भून लेना। फिर इसमें डालेंगे कॉर्न। कॉर्न मैंने खूब सारे डाले हैं, आधा कप कॉर्न डाल दिए इसमें। कॉर्न डालने से इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी आता है और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो फिर कॉर्न डाल देना, और फिर कॉर्न डालने के बाद डालेंगे इसमें टमाटर। देखो कितने अच्छे कलर लग रहे हैं, सारे कलर आ रहे हैं, येलो, ग्रीन, वाइट, रेड, सब कलर आ गए हैं, कितना कलरफुल लग रहा है। तो बस सारे वेजेस डाल के इसे अच्छे से चला लेंगे। वेजिटेबल मिक्स करने के बाद हम इसमें पनीर लेंगे। ये मैंने हाथ से मैश कर लिया था, आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हो। और इस पनीर को डाल देंगे। पनीर डालने के बाद इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये मेरे पास काला नमक है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ आजकल। और थोड़ा सा ओरिगेनो डाल देना, ये मेरे पास ओरिगेनो का सैशे था तो ये मैंने वही डाल दिया है। और फिर सारे मसाले डालकर इन्हें मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें सैंडविच मेकर पे थोड़ा सा घी लगाएंगे, फिर इस पे ब्रेड रख देंगे और इसमें अपनी स्टफिंग भर देंगे जो हमने रेडी की थी, और फिर दूसरी ब्रेड लगाकर घी लगाकर इसे बंद कर देंगे और इसे सेक लेंगे। ये सेक गया है तो अब देख लेंगे। अब इसे निकाल कर हम कट करेंगे बीच में से, और फिर इंजॉय करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब किए भी ना मत जाना। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।